ਵੱਡੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸੈਣਾ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਨੀ ਸੈਣਾ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਰਨੀ ਸੈਣਾ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਗਰਾ ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਰਨੀ ਸੈਣਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਰਿਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। तो हुण धरना प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं। सो पुलिस ने हालांकि जो अपडेट मिल रही है कि दो मुलजमान नूं हिरासत दे विच भी लिया इस पूरे मामले दे विच। सो करनी सैना ने राजस्थान च बंद का ऐलान भी किया। सो उत्थे ही हस्पताल बाहर धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। आगरा जयपुर हाईवे पूर्ण रूप दे विच जाम करके धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सो सख्त तो सख्त कार्रवाई की जिथे मांग की जा रही है तो उत्थे ये मामला काफ़ी जिहड़ा है गंभीरता दे नाल लैण दी मंग भी की जा रही है। सो राजस्थान के राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रधान सुखदेव सिंह गोगा बेड़ी के कतलकांड मामले के हालांकि पंजाब पुलिस ने भी अहम खुलासा किया, क्योंकि जो सोर्सेज दस रहे हैं कि इसका अलर्ट पहले तो ही जिहड़ा किया गया सी राजस्थान पुलिस नूं। पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस नूं पहले ही अलर्ट किया सी ये पूरे मामले बारे, लेकिन उस तो बाद भी राजस्थान पुलिस ने कोई एक्टिवनैस नहीं दिखाई तो यह हादसा वापरिया या फिर कह लिए कि इस घटना को अंजाम दिता गया। तो हुण राजस्थान बंद का ऐलान किया गया करनी सैना वालों, क्योंकि उन्होंने मुखी सुखदेव सिंह गोगा बेड़ी का बीते दिन शराम गोलियां मार के कतल कर दिता गया। सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है तुहाडी टीवी स्क्रीन पर। तो हुण इस पूरे मामले के अपडेट भी मिल रही है कि पुलिस ने दो मुलजमान इस पूरे मामले के हिरासत के लिया, तो अगलेरी जी कार्रवाई है आरंभी जा रही है। तो उत्थे ही करनी सैना ने हस्पताल के बाहर भी धरना प्रदर्शन किया। सो उत्थे भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आगरा जयपुर हाईवे भी पूर्ण रूप दे विच जाम करके रोस का प्रगटावा किया जा रहा है। लेकिन तुहानू दस दईए कि गैंगस्टरवाद ज़्यादातर राजस्थान खेत्र चों जिस हिसाब दे नाल पनप रहा है तो बेहद गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाल संबंधित भी पूरा मामला यह दसया जा रहा है, क्योंकि संपत नहरा जिहड़ा वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गैंगस्टर है, तो उसनू लैके भी काफ़ी जो खदशे प्रगटाए पंजाब पुलिस ने। पहला जिहड़ी है पंजाब की जिहड़ी खुफिया इनपुट से वह राजस्थान पुलिस को दी गई, लेकिन उस तो बाद भी जो कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बीते दिन इस पूरे वारदात को अंजाम दिता गया। तो उस तो बाद हुण करनी सैना काफ़ी रोस के विच है ते हस्पताल के बाहर धरना लगाया हुआ। आगरा जयपुर हाईवे पूर्ण रूप दे विच बंद करके रोस का प्रदर्शन किया जा रहा है। तो उत्थे ही हुण मामले दे विच वड्डी कार्रवाई करदिआं पुलिस ने दो मुलजमान नूं भी हिरासत दे विच लिया ते पुछगिछ का सिलसिला निरंतर वाधा होया नज़र आ रहा है कि आखिर किन्ने टाइम तो प्लैनिंग की जा रही थी। सो होर भी जिहड़ी है जो इनपुट मिल रही है उसके आधार पर राजस्थान पुलिस कार्रवाई करती हुई नज़र आ रही है। हालांकि तुहानू दस दी कि पंजाब पुलिस ने पहले तो अलर्ट किया राजस्थान पुलिस ने इस पूरे मामले बारे, क्योंकि जिहड़ा संपत नहरा है गैंगस्टर है वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक सरगर्म गैंगस्टर। जिस तो बाद इनपुट मिलने तो बाद पंजाब के खुफिया विभाग ने राजस्थान को अलर्ट भी किया, राजस्थान पुलिस को अलर्ट किया। तो हुण देखना होगा कि आने वाले समय में होर किन्ने एक दी जिहड़ियां ने इस पूरे मामले के गिरफ्तारियां पैंदियां। कर्णी समाज के बड़े नेता सुखदेव सिंह गोगा बेड़ी की जिस तरह से हत्या की गई है उसके बाद अब जो लोगों का बीच में गुस्सा है वो अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ ये मेट्रो मास हॉस्पिटल है जहाँ पर उनकी डेड बॉडी को अभी भी रखा गया है। कल तकरीबन 1:30 बजे का वक्त था जब ये हत्याकांड हुआ। दो शार्प शूटर आते हैं, नवीन सिंह शेखावत नाम के एक व्यक्ति जो कि परिचित था सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी का, उसका पहले विश्वास जीत कर पहले उसके थ्रू वो सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी से मुलाकात का वक्त तय करते हैं, अपने साथ एक साफा लेके आते हैं जो एक नेता नहीं आए हैं। लेकिन 2 बजे यहाँ पर समाज के लोग जुटेंगे, उससे पहले 12 बजे राजपूत छात्रावास पर लोग जुटेंगे। और यहाँ पुलिस के जाब्ते की बात करें तो तकरीबन 50 से ज़्यादा जवान यहाँ पर तैनात हैं, अधिकारियों की ड्यूटी यहाँ पर लगी हुई है, वो यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं, टीयर गैस यहाँ पर है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, जो QRT है उसकी अलग अलग कंपनियाँ यहाँ पर लगा रखी हैं। साथ में आप देखिए यहाँ से तकरीबन 400 मीटर दूर स्टैचू सर्किल है, बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर भी पुलिस का जाब्ता बहुत अच्छी संख्या में लगा रखा है। पुलिस के लोग कह रहे हैं कि पुलिस लाइन में जो जाब्ता रिजर्व में रहता है उस पूरे जाब्ते को फील्ड में लगा रखा है, सभी थानों का जाब्ता मौजूद है। सो हालांकि ग्राउंड जीरो तो साढ़े सहयोगी ने भी लगातार जी तफसील जानकारी भी साझी की है, तो उत्थे ही
अलर्ट पे है। राजस्थान पुलिस से इस पूरे मामले दे विच काफ़ी गंभीरता दे नाल निजिठिया जा रहा है, लेकिन जिस हिसाब दे नाल पंजाब पुलिस ने पहला तो अलर्ट किया उस तो बाद इस दे नाल पहला तो गंभीरता दे नाल निजिठिया जा सकता सी, जो कि नहीं होया। सो उथी तुहानू दस दिए कि संपत नहरा जिहड़ा गैंगस्टर है उस द्वारा इस पूरे मामले की जी इस पूरे घटनाक्रम की इस पूरी वारदात को अंजाम देने की जी साजिश रचन की जो इनपुट्स मिले तो उस तो बाद राजस्थान पुलिस को भी अलर्ट किया गया। दोपहर 1 बजे का वो वक्त था जब वो दो युवक सुखदेव गोगामणि के पास आते हैं, और इस वक्त मैं आपको उस जगह से सीधा ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर किस तरह से पूरी वारदात को उन लोगों ने अंजाम दिया। वो ताबड़तोड़ गोलियां चलाने का जो उनका प्लान था वो पहले से ही उन्होंने रैकी करके पूरी तरह से तैयार कर रखा था, और इस वक्त वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, श्यामनगर इलाके में वो रहते थे और वो उनका जो कार्यालय है वो भी यहीं पर था, और उसी के साथ साथ उनका इस वक्त जो खुद रहना था यानी कि उनका जो परिवार था वो भी यहीं पर रहता था। और ये इस वक्त वो दरवाज़ा मैं दिखा रहा हूँ, एक ही दरवाज़ा है इस घर का, यहीं से वो घुसते हैं। जानकारी पहले से हल्की बहुत बनाई हुई होती है और उसके बाद उनको अंदर एंट्री जाती है। वो मिलने के बहाने, समाज में मदद करने के बहाने वो इस वक्त वहाँ इस कमरे में पहुँचते हैं। मैं आपको बताऊँ तो ये जो पहला कमरा इस वक्त हमें नज़र आ रहा है वो ये पहला कमरा होता है जहाँ पर वो लोग बैठकर मीटिंग करते हुए, लगातार हम आपको वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं कि जिस कमरे के अंदर वो लोग मौजूद थे वो यही कमरा है, और उस कमरे के बाहर इस वक्त अगर आप फर्श की तरफ देखें तो यहाँ पर वो खून के जो इस वक्त छींटे हैं वो, यानी कि वो ताबड़तोड़ गोलियाँ जब चलती हैं और उसके बाद जो भागा दौड़ी होती है उसमें ये सारा इस वक्त खून के जो छींटे हैं वो नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ ये जो सीसीटीवी के लगातार हम आपको फुटेज दिखा रहे हैं कि वो कहां से किस तरफ से भागे थे, ये वही सीसीटीवी फुटेज हैं जो इस वक्त हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि आखिर में जब इस पूरी चीज को प्लान किया गया तो किस तरह से किया गया। वो पहला ही कमरा था, उनके लिए आसान था, लेकिन ये बात आपको समझनी होगी जब वो इस कमरे में मौजूद थे तो बाहर भी यहाँ आसपास लोग थे। अगर मैं दूसरी तरफ आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो वो रिहायशी एरिया है, पूरी तरह से रिहायशी एरिया है। इस कमरे में वो मौजूद उसके बाद वो रिहायशी एरिया इस वक्त पूरा है, और दूसरी तरफ एक तरफ पूरी तरह से ही वो डेड एंड है। वो जो स्कॉर्पियो सबसे पहले आती है वो स्कॉर्पियो यहीं पर इसी तरफ आकर खड़ी होती है, यहीं पर एक तरह से सड़क के बीचों बीच रुक जाती है क्योंकि वो जानने वाले के साथ आते हैं और उनको एंट्री आराम से मिल जाती है, तो वो स्कॉर्पियो को यहीं पर खड़ा करते हैं। लेकिन जब वो गोली मार के भागते हुए जो इस वक्त इस सड़क से हमें नज़र आ रहे हैं, इस सीसीटीवी की फुटेज भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि इस सीसीटीवी फुटेज में जब वो बंदूक लहराते हुए, देखिए वो ताबड़तोड़ गोलियां चलाई उसके बाद बंदूक लहराते हुए इस गली से बाहर की तरफ जाते हैं। सो पूरे ग्राउंड जीरो तो पल पल की अपडेट साढ़े सहयोगी लगातार साझी कर रहे हैं कि किस कदर इस पूरी वारदात को अंजाम दिता गया, तो उस तो बाद सीसीटीवी फुटेज निकालने की कोशिश भी निरंतर जी राजस्थान पुलिस करती हुई नजर आ रही है। सो उम्मीद है कि आने वाले समय में इस पूरे मामले होर भी अहम गिरफ्तारियां या फिर कह लिए कि हिरासत में लिया जा सकता है। सो राजस्थान जदों की यह घटना वापरी या फिर खास तौर पर इस वारदात को अंजाम दिता गया तो उस तो बाद ही राजस्थान पुलिस अलर्ट पर है, तो हुण जो अपडेट मिल रही है कि पुलिस ने दो मुलजमानों इस पूरे मामले च हिरासत च लिया। कड़ी समाज के बड़े नेता सुखदेव सिंह गोगामणि की जिस तरह से हत्या की गई है उसके बावजूद अब जो लोगों का बीच में गुस्सा है वो अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ ये मेट्रो मास हॉस्पिटल है जहाँ पर उनकी डेड बॉडी को अभी भी रखा गया है। कल तकरीबन 1:30 बजे का वक्त था जब ये हत्याकांड हुआ। दो शार्प शूटर आते हैं, नवीन सिंह शेखावत नाम के एक व्यक्ति जो कि परिचित था सुखदेव सिंह गोगामणि का, उसका पहले विश्वास जीत कर पहले उसके थ्रू वो सुखदेव सिंह गोगामणि से मुलाकात का वक्त तय करते हैं। अपने साथ एक साफा लेके आते हैं जो एक मीटिंग के दौरान जो नॉर्मली यहाँ पे एक सम्मान के तौर पे देखा जाता है, और इस बहाने से घर के अंदर घुसते हैं। तकरीबन 10 मिनट वो बातचीत करते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। इस पूरे हत्याकांड में सुखदेव सिंह गोगामणि जो कि राष्ट्रीय राजपूत कर्णी समाज के अध्यक्ष भी हैं उनकी हत्या हो जाती है। उनका जो एक करीबी व्यक्ति है अजीत सिंह वो फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट है। इसके अलावा एक जो नवीन सिंह शेखावत जो व्यक्ति जिसके जरिए ये लोग वहां तक पहुंचे थे उसकी भी इस मामले में मौत हो चुकी है। अब लोगों का गुस्सा अभी भी यहां पे शांत होने का नाम नहीं ले रहा है।
मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ ये वही हॉस्पिटल है, ये डेड बॉडी जो है सुखदेव सिंह की यहीं अभी रखी गई है, और जो समाज है राजपूत समाज वो अभी भी सड़कों पे उतरा हुआ है। अब देखिए ये पूरा जो कल दोपहर में जब ये पूरा हत्याकांड हुआ था उसके बाद से जो लोग थे उनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा था। पहला गुस्सा कि जिस तरह से हत्याकांड को दिन दहाड़े एक पॉश इलाके में अंजाम दिया गया, कैसे अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं इस बात का परिचायक है। दूसरा गुस्सा कि 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका था, सुखदेव सिंह लगातार कह रहे थे कि उनकी उन्हें थ्रेट है, लाइफ थ्रेट है, बावजूद उसके वो सिक्योरिटी मांग रहे थे, उनको नहीं दी गई, और यहीं से ये जो हत्याकांड हुआ इसकी एक मुख्य वजह उसको भी बताया जा रहा है। जो धरने पर बैठे लोग हैं उन्होंने पूरा चक्का जाम कल दोपहर से ही किया हुआ है। कल कुछ वक्त के लिए जो भीड़ थी वो उग्र भी हुई थी, लेकिन फिलहाल जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है फिलहाल उसे कंट्रोल में किया हुआ है। अलग अलग जो जिले हैं वहाँ पर जो राजपूत समाज है वो इस वक्त अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है, और सर्व समाज है, ब्राह्मण समाज भी साथ है। अच्छा। मैं ब्राह्मण समाज से डॉक्टर श्याम सुंदर सेवदा। अच्छा जी, तो ब्राह्मण समाज से हम खुद कल 2 बजे से निरंतर यहीं पर बैठे हैं हम, और हमारी पूरी टीम पूरी रात से बैठी है, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि सुखदेव सिंह जी गोगा मेडी एक राजपूत समाज के, या फिर तो हिंदू धर्म के लिए लड़ते थे। जब सुखदेव सिंह गोगा मेडी जैसे व्यक्ति अगर राजस्थान के अंदर सुरक्षित नहीं है, दिन दहाड़े सोची समझी साजिश के साथ अधिकारी जब मिली वैसे उनको मार देता है, तो मैं कहूँगा राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी में हम जैसे आप जैसे हजारों युवा, क्योंकि हमारी माँ बहन बेटियाँ